सच साहस सरोकार। मासमुंद में खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कोरबा में एसपी ने की बैठक, बैठक में नशा मुक्ति का लिया गया संकल्प। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, चार लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। कोरिया में स्कूली बच्चों को पुलिस ने किया जागरूक, संबंधित ठगी और धोखाधड़ी की दी जानकारी। बैकुंठपुर मुख्यालय में दिन दहाड़े हुआ फायरिंग, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। मासमुंद पुलिस अधीक्षक की ओर से पूरे जिले भर में खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के स्कूलों में कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को साइबर क्राइम और कानून की जानकारी देकर पुलिस विभाग द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आज पिथौरा के शासकीय रणजीत स्कूल परिसर में खाकी के रंग स्कूल के संघ के तहत हमर बेटी हमार मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसमें बसना विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम खाकी के रंग स्कूल के संघ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मेरा नाम कृति साहू है और मैं स्वामी आत्मानंद की स्टूडेंट हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। इसमें हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बताया गया और ट्रैफिक रूल्स भी बताए गए, जिस सुरक्षा मिले। मुझे ये सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये स्कूल के ऑलराउंडर, मतलब कि हर क्षेत्र में उसके लिए दिया गया और मुझे ये सम्मान एसपी साहब के हाथों द्वारा दिया। ये महत्वाकांक्षी योजना हमर बेटी हमर मान और साथ में हमारे महासमुंद पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया खाकी के रंग स्कूल किसान प्रोग्राम, इसके माध्यम से बच्चों को जो बेसिक्स लॉ होते हैं, बच्चों से संबंधित जो कानून होते हैं, उसको सिखाने का हमारी टीम ने प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ यातायात के नियमों को और साइबर संबंधी जो क्राइम होते हैं, क्योंकि आजकल लगभग सभी बच्चे, मतलब लगभग सभी फैमिलीज में बच्चों लोग होते हैं जो कोई गेम के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस इस्तेमाल के समय उनको कुछ सावधानी बरतनी होती है। उसको नहीं बरतने के कारण कई बार साइबर क्राइम का शिकार वो भी होते हैं, उनके परिवार भी होते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया है। कोरबा के अग्रसेन भवन में सर्व समाज के साथ एसपी की बैठक की गई, जिसमें नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। बैठक में जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान को लेकर चर्चा की गई और अपराध नियंत्रण को लेकर भूमिका निभाने को कहा गया। हम लोग निजात अभियान जो चला रहे हैं, उसमें हम लोग ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध शराब, विशेषकर ये पूरा अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान है, जिसमें बड़ी संख्या में जो अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप पिछले चार महीने के आंकड़े ही देखें तो पिछले साल के आंकड़ों, पूरे साल के आंकड़ों के चार गुना से अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा की जाएगी, ताकि लोगों में जो एक मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है, और जहाँ भी सूचना वो लोग पुलिस को देंगे तो नशे के कारोबारियों को ज़रूर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, एक जन जागरूकता का अभियान पूरे जिले में किया गया, कटघोरा में भी पिछले कई दिनों से कई सारे आयोजन किए गए। कोरिया में स्कूली बच्चों को साइबर से संबंधित ठगी और धोखेधड़ी के संबंध में पुलिस ने जानकारी दी, साथ ही अभिव्यक्ति एक्ट के तहत साइबर से संबंधित ठगी और धोखाधड़ी के बारे में स्कूली बच्चों को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया। पटना के शासकीय कन्या हाई स्कूल में थाना प्रभारी पटना की ओर से अभियान चलाया गया। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के उड़गी नाका के रहने वाले जितेंद्र अग्रवाल के मकान में फायरिंग की गई, जिसके आरोपी आर्मी से रिटायर्ड धीरेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथी आकाश गुप्ता ने
पैसे के लेन देन को लेकर मकान में लगे शटर के ऊपर फायरिंग कर दी। इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक राउंड गोली बरामद की गई है। मुर्गी नाका चौक के पास से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर से तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और कई टीमें गिरफ्तारी के लिए भी बनाई गई। और इसमें हमें सीमा अग्रवाल, जो उर्गी नाका चौक निवासी है, उनकी तरफ से शिकायत भी प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति धीरेंद्र प्रताप सिंह और आकाश गुप्ता, इनके द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर घर पर आकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई और एक पिस्टल से फायरिंग करके लोग फरार हो गए। जशपुर के दोंद्रो घाटी में बस गिरने से 15 यात्री घायल हो गए, तो वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि यात्री बस रनपुर से अंबिकापुर जा रही थी, घायलों को कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं बस चालक की लापरवाही से हादसा हो गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरगुजा के सीतापुर में ग्राम पंचायत भुलसिटिकरा के पास रोड किनारे पर शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी पहचान निवासी रमेश यादव के रूप में हुई है। रमेश यादव भुलसिटिकरा अपने ससुराल अपनी सास के दुष्कर्म में शामिल होने गए थे, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। तब परिवार वाले खोजबीन करने लगे, जिसके बाद उसकी लाश रोड किनारे झाड़ियों में मिली, जिसकी सूचना परिवार वालों ने सीतापुर थाने में दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओला हमला जानकारी नहीं, हमन सूर में रहन साहब। अच्छा, मतलब तुम लेकर मतलब मृत्यु के बाद पता चली। हाँ। अच्छा। पुलिस वाला मन आए रही से 112। कितना उम्र के? वही 55। 55 साल के। थाना में रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। हाँ। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर सन 2020 में पत्नी के गले पर टंगिया वार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 अर्थदंड का सुनाई दी गई है। बता दें कि 20 नवंबर 2020 को आरोपी के पति ने अपनी पत्नी के गले में टंगिया से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर 20 नवंबर 2020 को ही मृतका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। शिवरान थाना अंतर ग्राम रहोद में लखनलाल यादव के द्वारा अपनी पत्नी की टांगी से हत्या कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में थाना सिमरान पुलिस के द्वारा संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त साक्ष्यों का उचित परिशीलन के पश्चात सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार सोनी के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 20,000 रुपये पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा। खबर दुर्ग से है, जहां एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा जिले में अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसका आभार व्यक्त करने को लेकर भिलाई नगर की एनएचयूआई इकाई बड़ी संख्या में जुलूस की शक्ल में ढोल नगाड़ों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी पल्लव को गुलदस्ता भेंट किया, दुर्ग पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाईयों के लिए आभार व्यक्त किया। जांजगीर चांपा के चांपा रेलवे ओवरब्रिज में एक युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए चांपा बीडीएम अस्पताल में भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो वहीं परिजनों ने भी थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 304A के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। बता दें कि पहाड़ खुड़वा थाना अंतर्गत में एक घर में 2 दर्जन से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और मामले की जांच में जुट गई है।
शंकरगढ़ थाना निवासी हैं और अतिरिक्त एक इसमें एक अनिल कुजूर है जो पहाड़ खड़ुआ थाना राजपुर का निवासी है। ये मिलकर के प्रार्थी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देकर के उनको परिवर्तन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इन्हें प्रयास कर रहे थे, जिसके सूचना पर गांव वाले इकट्ठा होकर के आरोपियों को थाना में पेश किए हैं। अभी जांच जारी है और इसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाती है। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।